सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एस ए मेडिसिन नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ए मेडिसिन नॉलेज। आज बात करेंगे इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज की। ये इंजेक्शन मार्केट में किन किन नामों से अवेलेबल है, इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, इसकी क्या डोज होती है और इस इंजेक्शन के क्या यूज होते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर लगाया जा सकता है या नहीं, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन की कुछ फेमस ब्रांड नेमों की। इसका सबसे फेमस ब्रांड नेम है फेरियम इंजेक्शन। इसके अलावा ओराफर FCM इंजेक्शन और फेरिंजेक्ट इंजेक्शन और रिवीफर इंजेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। जो सस्ता मिले उसे ख़रीदा जा सकता है। बस हर इंजेक्शन का कंपोजिशन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज ही होना चाहिए। अब बात करते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के यूज के। इसका सबसे प्रमुख यूज है एनीमिया। इसके लक्षण जैसे कमजोरी रहना, थकान रहना, भूख न लगना, नींद आना, आँखों के नीचे का रंग पीला होना और नाखूनों का रंग वाइट होना, RBC का कम हो जाना, ये सभी लक्षण एनीमिया में होते हैं। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होने के कारण एनीमिया होती है और इसके लक्षण जो अभी मैंने पहले बताए हैं वही सब होते हैं। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसके अलावा सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है और एनर्जी लॉस होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ओवरऑल बात करें तो किसी भी प्रकार से पेशेंट को खून की कमी हो तो उन सभी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के डोज की तरफ। ये इंजेक्शन मार्केट में 2 ml, 20 ml और 10 ml की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ प्रति 1 ml 50 mg होती है। सामान्य रूप से इस इंजेक्शन को जो 50 kg का होता है तो उसको 500 mg इंजेक्शन IV दिया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा 1 ग्राम तक भी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और यदि कोई पेशेंट 70 से 80 किलोग्राम का है तो उसको डॉक्टर द्वारा 1500 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक भी डॉक्टर द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें पर केजी बॉडी वेट के अनुसार फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज की डोज क्या होती है, तो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार पर डोज दी जाती है। और ये इंजेक्शन हफ्ते में केवल 1 बार ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार इसकी डोज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को केवल NSD में मिक्स कर ही IV रूट से लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी रूट से इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। सामान्य रूप से इस इंजेक्शन के किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं यदि इस इंजेक्शन का AST टेस्ट किया जाए तो। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनमें से नोजिया, वोमिटिंग, BP हाई हो जाना और बॉडी में रेडनेस होना। इसके अलावा जहां पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पर रेडनेस होना और दर्द होना। यदि ये या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के गंभीर साइड इफ़ेक्ट दिखें तो इंजेक्शन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, इस इंजेक्शन का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये इंजेक्शन केवल हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए होता है।
और डॉक्टर के सुपरविजन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों, तो ये कंप्लीट वीडियो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन की यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।